दूसरे टच करते हैं पी पॉइंट पे, और उनकी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पी पॉइंट से जब मिला रहे हैं तो वो एक 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो बताओ कि दूसरा एंगल क्या होगा। और इसका ये होता है कि जो पी पॉइंट में एंगल बनाती है वो 90 डिग्री बनाती है, एक 60 हो गया ना, 40 डिग्री था तो बाकी 50 डिग्री हो गया उसका आंसर। और एक एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट वो दे दिया था राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया था, और आपसे हमसे पूछा था कि भाई एक एंगल अल्फा है तो कोस अल्फा प्लस सेक अल्फा क्या होगा, और ट्रिगनो का हाँ एल्जाब्रा ही क्वेश्चन थे, एल्जाब्रा क्वेश्चन ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी से पूछे गए थे, तीन क्वेश्चन थे, और एल्जाब्रा ट्रिगनो हाँ ट्रिगनो हो गया, और 2D से हाँ एक परसेंटेज से कोई ऐसा खास क्वेश्चन था नहीं वो। हाँ और एक क्वेश्चन थोड़ा उसमें मेरे को डाउट लग रहा है, चार्ट का पाई चार्ट का पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें ये दे रखा था कि आपको एक कंपनी ने ना प्रोडक्शन किया है 2018 2019 में, तो उसका रेशियो बताओ टोटल सेल्स टू कोई एक पकड़ के। और एक DI का क्वेश्चन और था कि एक सर्कल का उसका था DI का क्वेश्चन कि इतना परसेंटेज में पूरा डिवाइड कर रखा था सर्कल को, तो ABCD कंपनियों का रेशियो बताओ CD कंपनियों का रेशियो के साथ कितना प्रोडक्शन किया कितना नहीं किया। और एक टाइम नंबर का क्वेश्चन था कि ए अगर एक काम को 15 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 10 दिन में कर रहा है, तो अगर ए 2 दिन बाद छोड़ के चला जाता है तो बी बाकी कितने दिन में पूरा काम करता है, टाइम नंबर का क्वेश्चन था ये। और 3D से क्वेश्चन था, एक नॉर्मल क्वेश्चन था 3D से कि एक स्फेरिकल है उसको छोटे छोटे स्फेरिकल को उसको तोड़ के नहीं एक पूरे रेक्टेंगल जो क्यूबॉइड होता है उसको तोड़ के एक स्फेरिकल में किया है तो कितने स्पेरिकल क्यूब बनेंगे, एक पर्टिकुलर रेडियस दे दिया था 8.4 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया था। और 3D हाँ रेशियो से आसान क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ एक टफ क्वेश्चन उससे पूछा गया था एवरेज से, ओके इनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया था एवरेज से कि अगर 27 इनिंग्स में एवरेज 57 है तो अगर हाई और लो जो इनिंग है उसकी अगर डिफरेंस 157 दे रखा है तो 25 इनिंग्स का एवरेज आपको 42 दे रखा है, तो जो हाईएस्ट जो इनिंग थी उसके कितने वो रन बनाए गए थे, ये क्वेश्चन गया था ऐसे। हाँ बस यही कुछ बहुत महत्वपूर्ण रीजनिंग में आसान थी, रीजनिंग में डायरेक्ट वो पूछे गए थे नॉर्मल भाई स्क्वायर करके 5 जोड़ दिए, स्क्वायर के डिफरेंस करके 5 जोड़ दिए। हाँ रीजन में 2 क्वेश्चन तो पूछे गए थे उससे, सिलोगिज्म भी पूछे गए थे, और 3 क्वेश्चन हो गए कोडिंग डिकोडिंग से, हाँ और सिलोगिज्म डिकोडिंग डिकोडिंग हाँ ब्लड रिलेशन से, वो क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ब्लड रिलेशन से, लीनियर इक्वेशन में ए मल्टीप्लाई बी प्लस क्यू इस लीनियर फॉर्म में पूछे गए थे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। और रीजनिंग में जो जो इसे क्यूब मतलब क्या बोलते हैं उसको पैटर्न चेंज मतलब बॉक्स के 3 बॉक्स 4 बॉक्स दे दिए थे उनके अंदर जो कुछ आकृतियाँ दे दी थी उनका पैटर्न चेंज करके पूछा गया था, और मिरर इमेज का एक क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया था क्योंकि उसने ऑप्शन एलिमिनेट हो ही गया था मिरर इमेज में तो। अच्छा ठीक। और कोडिंग डिकोडिंग एवरेज बस और यही था, रीजनिंग में कुछ खास क्वेश्चन नहीं आए थे, बाकी सारे आसान क्वेश्चन थे। मैथ सब अच्छी गई, मुझे ऐसा लग रहा है मैथ सब अच्छा फोड़ करके आए हो। हाँ बहुत आसान था मैथ का, तो मतलब जैसे उम्मीद कर रहा था कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग था नहीं बहुत रीजनिंग के इक्वली मैथ में। सेकंड बार किसने मुझे कहा है कि टाइम टेकिंग नहीं था, कैलकुलेटिव नहीं था, सेकंड टाइम किसी ने कहा है। बहुत ज़्यादा मतलब हवा में क्वेश्चन हो रहे थे, ज़्यादा लिखने की जरूरत पड़ नहीं थी, बस एक दो क्वेश्चन बताए मैंने, एक तो रेस का क्वेश्चन था वो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, एवरेज क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन बढ़िया लगे मेरे को, बाकी पूरी जो मैथ थी वो सारी आसान लगी मेरे को। GK कैसे लगी? GK में 2 क्वेश्चन तो करंट के लगे, बाकी टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछे थे स्टैटिक के, हाँ 2 क्वेश्चन बायोलॉजी के थोड़े कंसेप्चुअल थे, कंसेप्चुअल मतलब आपको याद होगा तो आपको अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो रहे थे 2 ऑप्शंस में। और एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था, और स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब के वो फेस्टिवल से रिलेशन पूछ लिया था कि जो खालसा पंथ की स्थापना की थी तो उसके उपलक्ष्य में कौन सा वो त्यौहार मनाया जाता है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे लोहरी बैसाखी और 2 और थे नए ऑप्शन। ये कुछ स्टैटिक से नॉर्मल इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कुछ, हाँ एक कुछ नहीं पूछा गया था कि प्लानिंग कमीशन का कौन सा डिप्टी चेयरमैन रह चुका है, प्रेसिडेंट कौन से प्रेसिडेंट प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और मैंने आपको बता दिया पहले कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूछा गया था, और न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया प्लानिंग कमीशन। और अब इंग्लिश पे आते हैं, इंग्लिश में वन वर्ड कुछ याद आ रहा हो? इंग्लिश में वन वर्ड EDM पूछा गया था कि ऑल आइज हाँ कि मतलब आप सब पे निगरान रख रहे हैं। और एक पूछा गया था केक वॉक इजी टास्क, पॉपबुक से आए दोनों सवाल, हाँ दोनों आसान क्वेश्चन थे। और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एक्टिव पैसिव से, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछा गया था,
और एक फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड देन ऑल साइड्स आर डैश पूछी स्मॉलर लार्जर इक्वल नन ऑफ दी जैसे क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स और उसका क्या बोलते हैं पैसेज था एक पांच नंबर हाँ जो क्वेश्चन था ए बी सी डी क्या बोलते हैं इसको पैराग्राम्बल वो थोड़ा सा मीडियम मॉडरेट क्वेश्चन था पैराग्राम्बल का क्वेश्चन मॉडरेट था नॉर्मल साइंस का क्वेश्चन दे रखा था पैराग्राम्बल में कि कंडेंसेशन हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हैवी रेनफॉल क्यों हो रही है नॉर्मली था क्वेश्चन और इंग्लिश में सिनोनिम तीन सिनोनिम पूछे गए थे तीन हाँ जो इंग्लिश में ना जो क्या बोलते हैं वो इनकरेक्ट स्पेलिंग वो आसान पूछी गई थी एक एररनेस की स्पेलिंग पूछी गई थी कि सेंटेंस में दे दिया था एररनेस इसकी करेक्ट स्पेलिंग बताओ और दो स्पेलिंग और पूछी गई थी इनकरेक्ट की मतलब ऑल ओवर सब कुछ ईजी आया था मैंने 86 अटैम्प्ट किए क्योंकि 86 अटैम्प्ट किए गुड नंबर्स जी कि मैं क्या कि मैं थोड़ा हल्का फुल्का कई क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो रहा था मैंने उसको मैं रिस्क नहीं लिया छोड़ दिया एक्यूरेसी कितनी रखती है मेरी एक्यूरेसी 75 प्लस श्योर शॉट है श्योर है और मतलब इस बात होगी तो क्लियर ही है मतलब नो डाउट लोग मुझे कह रहे हैं कि 130 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी कह नहीं सकते क्योंकि बहुत अलग ही कहानी होगी एक अजम्पशंस हो गए अजम्पशन सही है 130 ऊपर नहीं जाएगी हाँ थैंक यू सो मच और कोई याद आ रहा हो बात करते रहते जीके का क्वेश्चन आपका या इंग्लिश का क्वेश्चन सर मैंने जो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो तो बताई दिए बाकी तो 100 क्वेश्चन थे याद आते रहेंगे वो ये मेमोरी की दिक्कत ये है कि मेमोरी ऐसे ही याद आती है बाद में धीरे धीरे याद आते रहेंगे जीके में तो और हाँ केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा गया था क्विक लाइम होता है ना उसका फॉर्मूला पूछा गया था केमिस्ट्री में और फिजिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं था ज्योग्राफी से भी अप्रोक्सीमेटली कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट का ज्योग्राफी से इंटरलिंक हो गया दो बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे गए थे बायोलॉजी क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि जो प्लांट होता है वो अपना जो फूड स्टोर किस में करता है जाइलम फाइबर में करता है जाइलम पेरेंचाइमा में करता है किस में करता है ये क्वेश्चन पूछा गया बायोलॉजी से और एक बायोलॉजी केमिस्ट्री हिस्ट्री पॉलिटी हाँ पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था कि चार आर्टिकल की वो दे दी थी कि भाई राइट टू लाइबर्टी राइट टू फ्रीडम और एक्सप्रेशन और डिटेंशन फ्रॉम प्रिवेंशन फ्रॉम डिटेंशन इन चारों में से कौन सा प्रमुख मतलब फॉरमोस्ट राइट है हमारा फॉरमोस्ट मैंने राइट टू लाइफ हाँ राइट टू लाइफ ही फॉरमोस्ट क्योंकि वो कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाता तो वही टिक कर किया हूँ मैं और पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा गया था करंट कहाँ से आ रही है करंट कहीं से कुछ नॉर्मल करंट पूछे गए थे बताया ना आपको दो क्वेश्चन पूछे गए थे करंट से एक तो वो सीबीडीटी का चेयरमैन कौन था हाँ नहीं तीन क्वेश्चन पूछे गए थे एक क्वेश्चन पूछा गया था उससे स्कीम से कि ये स्कीम है वो चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक स्कीम है वो कौन से राज्य ने डेवलप की हाँ एक कैमल प्रोटेक्शन की स्कीम पूछी गई थी कैमल प्रोटेक्शन जो पॉलिसी है किस राज्य ने अपना अप्लाई की है और एक पूछा गया था न्यूट्रिशन से कि दूध और जो एग है वो ये आंगनबाड़ियों में प्रोवाइड कराया जा रहा है कौन सी ये स्कीम किस गवर्नमेंट ने वो करी थी हाँ ये क्वेश्चन थे बस चार क्वेश्चन थे जो याद आ रहे हैं करंट के काफ़ी अच्छा याद है आप थैंक यू सो मच गजब आपने बताया है ठीक है फिर भी एक दो मिनट और बात करते हैं आपसे आप लेट तो नहीं हो रहे ना ठीक है हम छोड़ देंगे अगर जा रहे हैं तो आप इंग्लिश में कोई और आपको कोई याद आ रहा हो ऐसा कुछ और नया कुछ ऐसा इंग्लिश में तो सर आपको गिनाए दिया मैंने दो तो ईडीएम हो गए दो एक्टिव पैसिव हो गए चार एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पांच क्वेश्चन पैसेज से आते हैं पांच दस एक पैरा जंबल का हो गया 11 और दो क्वेश्चन आपको इनकरेक्ट स्पेल्स बता दिए 13 और दो फ्लेंदा ब्लैंक्स थे उसमें तो फ्लेंदा ब्लैंक्स में भी एक सिनोनिम के रूप में पूछा गया था और फ्लेंदा ब्लैंक्स में एक एरर नेस मतलब इनडायरेक्ट स्पेल इनकरेक्ट स्पेल्ड का पूछा गया था और एरर से पूछा गया था क्वेश्चन कि इट इज़ एडवाइज टू जैसे अर्थक्वेक आता है उस टाइम इन तो वाइल अर्थक्वेक के दौरान इट इज़ एडवाइज टू टेक अबाव टू कवर अबाव ए टेबल तो अबाव की जगह अंडर ए टेबल लेना चाहिए तो नॉर्मल था वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया था लोग आपको काफ़ी प्यार दे रहे हैं कि आपने सारा बता दिया मैथ्स के लिए काफ़ी कुछ लोग आपके लिए कह रहे हैं समीर हैं अखिल हैं थैंक यू सो मच ठीक है सर ठीक है और चलिए काफ़ी आपको रोकते हैं हम लोग कुछ और याद आ रहा है हम कर सकते हैं बच्चे देख रहे हैं आपको 500 लोग लाइव देख रहे हैं आपको तो सर मैथ में तो वही ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन बताया मैंने आपको टू द पॉइंट अगर याद होगा तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा और मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको फॉर्मूले ऊपर के जो फॉर्मूले हैं वही याद रखो क्वेश्चन हो जाएंगे और जैसे किसी कल एग्जाम उसको क्या करना चाहिए आज उसको कुछ नहीं करना चाहिए
उसको पहले तो रिलैक्स होना चाहिए, उसको ये नहीं सोचना भाई मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। मेरे साथ 15 तक एग्जाम है ना, काफी टाइम है। हाँ तो मतलब बच्चों के लिए आपको पूरी आगे तक आप ज्ञान दे दो, मैथ में और रीजनिंग में जो फॉर्मूले हैं उनको आराम से नॉर्मली रिवाइज करते रहो, क्योंकि और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ना। हाँ, जो कई कई स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, अब मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि अगले चैप्टर उसमें जो अभी तो प्रॉफिट लॉस जो क्वेश्चन आया था ना वो आसान आया था हमारे में। ये पूछा गया था डिस्काउंट से, पूछा गया था कि एक कोई लड़की है रीतिका, कोई भी नाम ले लो, रीतिका लड़की है, उसको 30% उसको डिस्काउंट मिला है, और एक शॉप से और दूसरी शॉप से उसको 25% और 5% डिस्काउंट मिला है, और उसको उसने जो एक क्या बोलते हैं आर्टिकल जो भी खरीदा वो 3,080 रुपये में खरीदा, तो उसको कितना डिस्काउंट को डिफर हुआ है। मतलब एक दुकान से 30% डिस्काउंट मिला उसने 3,080 रुपये दिए, एक दुकान से उसको 25% और 5% डिस्काउंट मिला उसने वहाँ भी 3,080 रुपये दिए, तो किन में ज़्यादा डिस्काउंट मिला, तो ये पूछा गया था डिफरेंस, डिस्काउंट का डिफरेंस पूछा गया था। ठीक है, मतलब काफ़ी अमेजिंग आपने बता दिया। कुछ बच्चे अभी भी कह रहे हैं करंट है, कुछ और बता दो भाई साहब करंट क्या है। 15 एग्जाम इसका है, सारी क्वेश्चन जो ज़्यादा मेरे तरीके से मेरे को याद है, तो मैंने आपको एक तो बताया CBDT का चेयरमैन पूछा गया था, दो पॉलिसी के ऊपर पूछा गया, तीन पॉलिसी के ऊपर कि कैमल पॉलिसी, प्रोटेक्शन पॉलिसी कहाँ पर अप्लाई की गई, एग और मिल्क किन आंगनबाड़ी में जो देने का कार्य किया गया वो किस सरकार ने किया गया, और एक चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसी कोई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की पॉलिसी पूछी गई थी। चार क्वेश्चन थे जो मेरे को याद है, बाकी लगभग बेसिकली किसी बच्चे से कहूँ तो उसको क्या याद करना चाहिए, डायनेस्टी याद कर लो सारी, पॉलिटी के अंदर सारे इनिशियल आर्टिकल्स याद कर लो, ठीक है, स्पेशली DSP SP तक सारे याद कर लो आराम से, ठीक है। और कुछ पासेज बारे में आया था, कुछ दर्रा नदियों पर, कुछ कुछ नहीं आया, ठीक है। और क्या हो सकता है और कुछ आपको याद आ रहा है इस समय हिस्ट्री के अंदर, वो कुछ हिस्ट्री के अंदर सर, हाँ एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, राजा राम मोहन रॉय ने जो ब्रह्म सभा की स्थापना की थी उसको और किस नाम से जाना जाता है, और ये पूछा रामकृष्ण मिशन है वो किस चीज से संबंधित है, मतलब एजुकेशन से है, भक्ति से है, हाँ गॉड से है, या सेल्वेशन मतलब गुलामी बोल सेल्वेशन गुलामी से किस चीज से संबंधित है वो रामकृष्ण मिशन। हाँ ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री से, और हाँ एक डेट पूछी गई थी वो क्वेश्चन याद नहीं, किसी चीज़ की डेट पूछी गई थी उन्होंने, एक डायरेक्ट डेट पूछा, डाइट का मतलब कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है ऐसा। हाँ एक दिन तो ये पूछा था कि भाई साहब ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल वो पीस डे, जैसे अपने गांधी जी वो पीस के लिए माने जाते हैं ना, इंटरनेशनल पीस डे ऐसा कुछ था, इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है ये पूछा था डे के लिए, और एक एग्जैक्ट डेट पूछी थी कौन से सन में ये चीज़ स्थापित की गई थी। वैसा सेशन पक्का आपका आपको याद आ रहा था मतलब अच्छा करके आए हो, ठीक है सर, नॉर्मल चीज याद हो गई, गुड। अभी कोई सिलेक्शन हुआ है आपका कहीं सर? अभी तो MTS में हो रखा है, हो रखा है MTS में, ठीक है, फाइनल रिजल्ट बाकी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और तो किसी में नहीं हो रखा फिलहाल, और कुछ आपको याद आ रहा हो? जीके का टॉपिक बताओ, टॉपिक बताओ जीके का, पढ़ के नहीं है, टॉपिक बताओ, टॉपिक टॉपिक जिसे हमें भाई साहब याद कर सके, ज्योग्राफी से कोई सवाल आपको याद आ रहा? नहीं सर, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का याद आ रहा है ज्योग्राफी से। तो फेस्टिवल से कोई सवाल आया? फेस्टिवल से पंजाब से मतलब बताया ना ये, हाँ एक फेस्टिवल से और सवाल पूछा गया था कि ये नहीं नहीं ये जो है क्या बोलते हैं जो डांस था, शायद डांस था ये, किस राज्य से संबंधित है, फोक डांस टाइप पूछा गया था एक। हेलो हेलो, जनजाति से आया था कुछ, जनजाति वगैरह? ना ना जनजाति से नहीं आया था, फोक डांस से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, थोड़ा नाम अजीबो गरीब था इसलिए मेरी याद नहीं है। वो मैसेज आया है आपके लिए टीम से, पैरा जंबल आया था क्या? हाँ पैरा जंबल आया था, एक मॉडल क्लोस्टेस था, क्लोस्टेस था या पैसेस था? पैसेस था सर, पैसेस ऐसे क्लोस्टेस नहीं था, मतलब वो फ्रिंदा ब्लैंक्स बीच में, हाँ क्लोस्टेस ही बोलते हैं उसको, क्लोस्टेस था मतलब जो पूरा पैराग्राफ था उसमें बीच में ब्लैंक्स दे दिए, क्लोज टेस्ट, हाँ क्लोज टेस्ट था सर वो, क्लोज टेस्ट था, ठीक है। पैराग्राफ ऐसे नहीं आता कि पैराग्राफ क्वेश्चन दे दिए और पांच क्वेश्चन पूछ लिए, वो नहीं था, वो नहीं था, बीच में ब्लैंक आते हैं ना, हाँ क्लोज टेस्ट ही था। बहुत ही बढ़िया, छोटा सवाल आपके लिए आ रहे हैं, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी सवाल पूछ सकते हैं, हम लोग इनसे पूछ लेंगे ताकि मेरे लिए भी सवाल ढूंढना ईजी हो जाएगा। जो लाइव देख रहे हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सवाल भेजिए अपने। करंट अफेयर कब से पूछ रहे थे? करंट अफेयर एक 21 का पूछा, ना नहीं अभी जून को, जून का ही पूछा गया था, जून 2020 में 22 में वो CBDT चेयरमैन कौन बने थे वो जून का ही पूछा गया था। और जो जहाँ तक मेरे को लग रहा है जो पॉलिसीज थी ये किस की पॉलिसीज लग रही है मेरे को, विशाल पूछ रहे हैं आगे के लिए क्या पढ़ना चाहिए? आगे के लिए जैसे अभी अगर पैटर्न को देखा जाए तो
सारे फॉर्मूले मैथ में, रीजनिंग में सारे फॉर्मूले, रीजनिंग में अब ज़्यादा जैसे कोडिंग डिकोडिंग है इसमें लोड लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है, आपको देखते ही पता लग जाएगा इसने इसमें क्यूब कर दिया, इसमें इसने स्क्वायर कर दिया है, इसमें पाँच जोड़ दिया, तो कोडिंग डिकोडिंग को लोड लेके नहीं चलना इस चीज़ के ऊपर कि भाई साहब क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, जाना पहचाना क्वेश्चन आएगा। और आपको सारे पाइथागोरस याद होने चाहिए ट्रिपलेट, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में बन जाएगा डायरेक्टली, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एलजेब्रा में नॉर्मल जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर के दे रखा है तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या पूछा है, ऐसे इन आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे एलजेब्रा। तिचल पूछ रहे हैं कि सर सिटिंग अरेंजमेंट पे पूछा था क्या? नहीं पूछा था, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा सिटिंग अरेंजमेंट के। करंट आपने बता दिया कि तीन चार महीने पाँच छः महीने को पढ़ लो बहुत है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सवाल, ट्रिग्नोमेट्री से मैंने बताया ना आपको, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था कि नए लोग जुड़ते जा रहे हैं तो इसलिए हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ट्रिग्नो से क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री क्या पूछा था, ये डायरेक्ट ये पूछा था उसने। और एक ट्रिग्नो और जो मेट्रिक को मिला के पूछ लिया था, एक ट्रायंगल दे दिया पाँच वो 8, 15, 17 का, तो सेक अल्फा क्या होगा, एक एंगल दे दिया सेक अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या होगा ये पूछा था। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन में 3D में पूछा था, 2D में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। 3D में यह आया था कि कुछ एक जो क्यूबॉइड है उसको कन्वर्ट करिए स्पेरिकल बॉल्स में इसी एक पर्टिकुलर रेडियस की, तो कितने स्पेरिकल बॉल्स बनेंगे वो ये पूछा था। एक भाई साहब पूछे सौरभ जी वोकैब का लेवल कैसा था? वोकैब जो अपन जनरली नॉर्मली अपन पढ़ते हैं चीज़ें इंग्लिश में नॉर्मली, कुछ ज़्यादा वो टफ क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब टफ वर्ड नहीं थे, नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ते ही वैसे क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन थे क्या? ब्लड रिलेशन, हाँ ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे इक्वेशन वाले, ए प्लस बी गुणा में ना ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड बाई डी, अब ए से बी का रिलेशन वो ऊपर कोड में दे दिया था, ए इज फादर ऑफ बी एंड सी इज अगर मल्टीप्लस है तो सी इज मदर ऑफ डी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कैलेंडर से? कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्यूब से? हाँ क्यूब से क्वेश्चन था कि क्वेश्चन ये था क्यूब क्यूब में कि आपको वो क्या बोलते हैं पूरा खोल के दे दिया क्यूब 6, 3, 5, 4, 1 एंड 4, तो इसे जो क्यूबोर्ड बनेगा कौन सा क्यूबोर्ड बन सकता है। एक भाई साहब पूछे कि पैटर्न में कोई चेंज था या नहीं था जो पैटर्न लास्ट टाइम के आए थे? चेंज ये है कि थोड़ा लेवल इजी हो गया, हाँ जैसे मैथ में इस बार कैलकुलेशन पूछी नहीं गई है मान लो एक तरीके से, और जैसा उम्मीद कर रहा था कि नॉर्मल थोड़ा सा हर बार दो चार पाँच क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस से टफ आ जाता है, इस बार बहुत आसान क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस से भी, तो चेंज लेवल में यही है कि थोड़ा सा लेवल नीचे किया है एसएससी सीजीएल ने। और स्पोर्ट्स से कोई सवाल आया था गेम्स में? रोहित शर्मा को सवाल बता रहे हैं? नहीं सर नहीं है मेरे को याद, रोहित शर्मा के ऊपर कोई सवाल आया था? नहीं नहीं, नहीं। ठीक है। परसेंटेज का बता ही दिया ऑलरेडी कि परसेंटेज सवाल आया था, और कुछ लोग वापस करंट का पूछ रहे हैं, तो करंट भाई साहब 6 महीने का है जो लोग पूछ रहे हैं आपको बता दूं मैं। स्पोर्ट्स आपको बता दिया, स्पोर्ट्स से सवाल नहीं था जो आपको याद नहीं आ रहा है। IPL से सवाल कोई कह रहा है कि IPL से आया था? सर नहीं रिमाइंड कर पा रहा मैं। ठीक है वापस ग्राउंड जीरो से कुछ सवाल है। हेलो हेलो, कॉमन एरर कौन से टॉपिक से आया था? कॉमन एरर लाइव में मैं आपकी बात करा रहा हूँ मैम इनसे, हमारे पास सोनी मैम आ गई हैं फ़ोन पर, तो फ़ोन पे बात करें। बोलिए मैम, इनसे बात सुन रहे हैं आपका मैम, मैं आवाज़ सुन पा रहे हैं? आप बोलिए, आप लाउड स्पीकर पे हैं आप? हाँ मैम बोलिए। जितने भी अभी आंसर्स हुए ना इससे पता चल रहा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। कांग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू मैम। मैम एरर से जो क्वेश्चन, एरर से जो क्वेश्चन, आपने वैसे सब कुछ बता दिया, सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं और सब आपको देख रहे हैं इस समय। ठीक है, अभी थोड़ा सा बताइए ग्रामर का कोई नहीं बता पा रहा है कि कॉमन एरर कौन से टॉपिक से आया था। कॉमन एरर एक क्वेश्चन आया था उससे प्रीपोजिशन से, कि उसमें एक क्वेश्चन ये था कि टू परस्यू लो, मतलब टू के साथ वो परस्यू के साथ टू इन परस्यू लो ऐसा कुछ था, स्टडीज टू परस्यू इन लो या स्टडीज टू परस्यू इन लो ऐसा क्वेश्चन था एक तो एरर से। और एक जो क्वेश्चन पूछा गया था सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया था, और तो उसमें यह था सब्स्टिट्यूशन में, नहीं 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 सर मैम वो रिप्लेसमेंट बोलते ना वो क्या, नो इम्प्रूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे जो गेस्ट हैं वो अराइव कर रहे हैं और वो बाहर बैठे हैं, तो मतलब दे आर सिटिंग आउटसाइड, तो उसमें पहले एक वो क्वेश्चन मतलब एक आगे वो फ्रेज दे दिया था कि उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, हैज बीन आएगा या हैड बीन आएगा। हाँ टेंस में क्वेश्चन था मैम, एक टेंस में क्वेश्चन पूछ लिया था एरर के रूप में। और एक्टिव पैसिव के बताए दिए तीन, दो क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछे गए थे, और मैम एरर से कोई खास क्वेश्चन था नहीं। और ये बताइए आप कि वो जो
क्लोज टेस्ट आया था ना, वो ग्रामर बेस्ड था या वोकैब बेस्ड था? मैम क्लोज टेस्ट में जहाँ तक मेरे को याद है पांच जो पॉइंट होते हैं, उन पांचों में से दो तो ग्रामर बेस्ड थे और बाकी तीन वो उसके अच्छा। अंदर पर जो क्लोज टेस्ट था उसके अंदर ही मिल गए थे तीन क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिकली भाई इसमें एम्बेडेड अच्छा, है टेक्नोलॉजी के ऊपर। हाँ हाँ आगे पीछे समझ के पढ़ के कर लेना था। ये टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछा गया था कि हमारी सरकार ने जो टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते जा रही है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, तो इससे जो क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है और क्या बोलते हैं मतलब करप्शन कम हो रहा है, इसके ऊपर पूछा गया था क्लोज टेस्ट। तो उसमें ब्लैंक इजी थे कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज या टेक्नोलॉजी एम्बेड कर रही है हमारे गवर्नमेंट प्रोसेसेस में, जो हमारे प्रोसेस होते हैं उनका कार्य करने के उनमें, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, पढ़ते ही आराम से समझ में आने वाला था। अच्छा मतलब आपका बस बहुत अच्छा हुआ है। यस मैम। और ये बताइए कि ना नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन आया था क्या? हाँ मैम नंबर सिस्टम से आया था, एचसीएफ क्वेश्चन आया था एक, तो कि क्वेश्चन ये पूछा गया था एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था मैम, वो क्वेश्चन रिपीटेड था दिल्ली पुलिस क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दो नंबर है उनका एचसीएफ ये है पर्टिकुलर दे दिया 18 नहीं 18 नहीं। अच्छा तो बारह बारह था दो दो थे मैम नंबर सिस्टम से। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि 45 की पावर 49 की पावर 15-1, तो ऑप्शन चार दे दिए थे कि भाई ये इसका कौन किससे डिविजिबल है, ये जो 49 की पावर 15-1 ये किससे डिविजिबल है ये पूछा गया था, तो उसमें चार ऑप्शन दे दिए थे 40-50। हाँ डिविजिबिलिटी से रूल से आया था ये क्वेश्चन और एक एलसीएमएचसीएफ से। डी आई में दो क्वेश्चन आए थे मैम, एक तो सर्कल बेस्ड डी आई था, हाँ दोनों परसेंटेज थे और एक रेशियो से था। अच्छा एक जैसे कैलकुलेशन में सर्ज एंड पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? सर्ज एंड पावर से मैम कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में आपने बताया नहीं कि क्वेश्चन कौन से बेस्ड कौन से टाइप से आए? ट्रिग्नोमेट्री मैडम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एक टेन थीटा प्लस कोस ना टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा इंटू कोस एक्स स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। मैम ट्रिग्नो से आए थे तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये था कि तीनों फॉर्मूला बेस्ड और कोस 45 की डिग्री वैल्यू पूछ ली, कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोस सेक 30, एक ये क्वेश्चन पूछा था, तो आइडेंटिटी और क्या बोलते हैं ये जो कोस 45 पता होगा तो आसान रहेगा। अच्छा एक ये जैसे रेस से सवाल आया था क्या कोई किससे मैम? रेस से टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेस का क्वेश्चन थोड़ा टफ था कि थोड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन ऐसे था कि भाई ये नॉर्मली जो नॉर्मल पैटर्न होते हैं उसमें था नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि 1500 मीटर रेस हो रही है तो अनिल है ना वो बाकुल को 150 मीटर से हरा रहा है, बाकुल चार्ल्स को 75 मीटर से हरा रहा है, तो अनिल चार्ल्स को कितने मीटर से हराएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था 1500 मीटर रेस में। हाँ मैम एक डिसऑनेस्टी सवाल, हाँ एक ये क्वेश्चन भी था डिसऑनेस्टी डीलर का एक क्वेश्चन आया था, डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन ये आया था, ये क्वेश्चन ये आया था कि 12.5% अगर वो अपने लॉस के ऊपर कोई सामान बेच रहा है और वो 28 ग्राम यूज कर रहा है 36 ग्राम की बजाय, मतलब उसको ग्राहक को बेचते इसमें, तो ऑल ओवर उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। मैम कोई सवाल नहीं था मेन मीडियम से, कोई सवाल नहीं था, एवरेज से बढ़िया क्वेश्चन आया था, एवरेज से तीन क्वेश्चन थे नहीं एक ही क्वेश्चन आया था, पर वो बढ़िया क्वेश्चन आया था इनिंग के रिलेटेड आया था, इनिंग्स का जो क्वेश्चन बनते हैं ना एवरेज में, तो इनिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। लूप आ रही है थोड़ा। मैम रीजनिंग में तो लगभग पूरी इजी थी, बस एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन थे जो क्या बोलते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना इसमें चेंज होके, और हाँ रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन टफ ऐसे हो जाते हैं वो, क्योंकि वो इक्वेशन बेस्ड थे दो क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, और बाकी रीजनिंग आसान थी। कोड वाले बहुत आसान क्वेश्चन थे, डायरेक्ट पता लग रहा था क्या कोड बनाया क्या कोड नहीं बनाया, कोडिंग डिकोडिंग हार्ड नहीं थी, फिगर वाले क्वेश्चन में थोड़ा उसमें बढ़िया। हाँ वो क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन आए थे, हाँ दो क्वेश्चन मैम वो भी आए थे जो आते हैं ना भाई मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड और माइनस, इनको इंटरचेंज करके पूछते ना भाई चार नंबर दे दिए इनमें मल्टीप्लाई ये क्या ऑपरेशन लगेगा और इक्वल टू क्या आएगा, ऐसे इस टाइप के दो क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन के दो क्वेश्चन पूछे गए थे।
मिसिंग नंबर में इजी था, मिसिंग नंबर में यह था कि भाई पहले 80 80 घटा दिया, फिर 70 घटा दिया, फिर 60 घटा दिया, एक नंबर दे दिया 388, उसमें पहले 20 घटा दिया या फिर 30 घटा दिया, मतलब इजी था, कोई हार्ड नहीं था, डायरेक्ट पता लग रहा था 20 स्टेप फॉर्म के जो आते हैं ना कोडिंग डिकोडिंग के मिसिंग नंबर के, कि प्लस करके बढ़ा दिया या माइनस का पूरा सीरीज प्लस माइनस, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस की कोई फॉर्म नहीं आई थी। अच्छा एक रीजनिंग में जैसे सीरीज से 4 क्वेश्चन आते हैं, नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन आया था क्या मैम? थोड़ा बताओ किस हिसाब से क्वेश्चन, मैं थोड़ा बता दूं। जैसे नॉन वर्बल का मतलब है कि डायग्राम दे दिए, एक डायग्राम के बाद दूसरा डायग्राम। हां ये दो क्वेश्चन आए थे, दो क्वेश्चन पूछे थे, दो तीन क्वेश्चन पूछे थे मैम से, और थोड़ा इसमें एक क्वेश्चन बढ़िया था। एक ब्लैंक वाली सीरीज आती है जैसे दो तीन अल्फाबेट दे दी फिर खाली जगह दे दी, एक ये ब्लैंक वाली सीरीज हम ये रिमाइंड नहीं कर पा रहे, ये आई थी नहीं आई। ओके ओके, सीरीज से एक न्यूमेरिकल सीरीज आती है वो आई थी? हाँ न्यूमेरिकल सीरीज आई थी मैम, वो आसान थी। और अल्फाबेट वाली? अल्फाबेट वाली भी आई थी, उसमें अल्फाबेट में पांच वो क्या बोलते हैं पांच अल्फाबेट का लेटर दे दिया था एक, उनको प्लस करके प्लस 9 कर दिया, प्लस 17 कर दिया, ऐसे कुछ था सीरीज में, आसान थी मैम। ओके, तो मैथ रीजनिंग में कोई नया सवाल नहीं दिखा आपको? ठीक है, जैसे पैटर्न पूछा जाता है वैसे कोई नया सवाल नहीं था मैम, सारे आसान सवाल थे, बस मैथ में दो क्वेश्चन आपको मैंने जो बताया, एक एवरेज से बढ़िया क्वेश्चन आ गया था और एक उससे क्या बोलते हैं रेस से बढ़िया क्वेश्चन आ गया था, बाकी पूरी मैथ आसान थी और रीजनिंग भी लगभग पूरी आसान थी। चलो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, सारे बच्चों को अच्छा लग रहा है, उनको समझ में भी आ रहा है। ठीक है मैडम, धन्यवाद। अब वापस से कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक भाई एनालॉजी से का सवाल आया था, एनालॉजी से आया था ठीक है, मैं सिर्फ ये हाँ नाम वाले क्वेश्चन बोलता हूँ क्योंकि मैं ये हाँ ना के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से इसको पूछना बता दो फिर हम इसको एंड करेंगे। ठीक है, हाँ ना के सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जिसको पूछना है जल्दी से पूछ लीजिए। स्टूडियो से किसी को सवाल पूछना है? स्टूडियो से सॉरी मैम कोई सवाल? एरे का टॉपिक, एरे टॉपिक टेंस प्रीपोजिशन और एक नाउन, जो मेरे याद आ रहे हैं तीन क्वेश्चन थे, नाउन के ऊपर था ये क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि इन्फॉर्मेशन का आता है ना कि भाई इन्फॉर्मेशन वो ये सिंगुलर माना जाता है इसको, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो स्प्रेड्स, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी एस और यस वाली, एक क्वेश्चन नाउन से ये पूछा गया था। हेलो हेलो, कोई कुछ पूछना आपको, एनी फर्दर क्वेश्चन? आपका कोई और क्वेश्चन है मैम? सुनिए मैम, मैं लाउड स्पीकर देता हूँ आपको, कोई और सवाल आपका? क्वेश्चन नहीं, बाकी इन्होंने सारा बता दिया इन्होंने। चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, थैंक यू मैम। मैंने आपको व्हाट्सएप किया है वो देखो। हाँ देख लिया मैंने, ठीक है। चलिए बहुत ही अमेजिंग आपने बताया, बच्चे गजब खुश है आपसे, तो मतलब जो आ रहे हैं इसके, चलिए बहुत ही अमेजिंग आपका रिपोर्ट रही है इसके अंदर। चलो हाँ एक लास्ट में फिनिश करते हैं, दो तीन सवालों के साथ फिनिश करते हैं। पहला ये कि 15 का एग्ज़ाम है, क्या राय दे, करंट कहाँ पढ़ें, मैथ्स क्या करें, सबके हर टॉप मतलब हर चारों सब्जेक्ट का क्या क्या करें बस? मैथ में तो फॉर्मूले जो और जो टू दी जो रेगुलर पैटर्न जो क्वेश्चन होते हैं कि हर बार जो आते हैं फिक्स टाइप के जो पैटर्न क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे गगन प्रताप सर ने सीरीज चलाई थी यूट्यूब के ऊपर, तो उन्होंने क्या कि हर चैप्टर के फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन कराए थे, तो वो अटेम्प्ट कर लीजिए। और मतलब एक टाइप तरीके का वो इंडिया स्टडीज पे भी हो रखी है। हाँ वो मतलब उस टाइप की, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस पैटर्न के टाइप की जो रेगुलर पैटर्न होते हैं मैथ में वो करने हैं, और फारे लगभग जो फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नो के या एलजेब्रा के और ज्योमेट्री के डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन सवाल कंसेप्ट के ऊपर पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको दे देगा, आपको वो चीज़ याद होगी तो आप कर पाओगे फटाफट, नहीं तो आप टाइप कंज्यूम कर जाएगी वो चीज़। मैथ में तो ये है, रीजनिंग में कुछ अलग क्वेश्चन आया नहीं, सादा सीधा सीधा सादे क्वेश्चन आ रहे थे, डायरेक्ट आपको पढ़ते ही समझ में आया अगर आपने एक बार भी रीजनिंग पढ़ रखी है तो। और इंग्लिश से तो नॉर्मल जो रूल्स हैं वो रिवाइज मार लो, और जो हल्की फुल्की आपने जो वो कब पढ़ रखी है वही रिवाइज मारना, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, चीज़ से लोड नहीं लेना कि भाई साहब क्या कुछ नई आ जाएगी नहीं आएगी, आज के पेपर के हिसाब से जो बता रहा हूँ मैं भाई तो ऑलमोस्ट सेम ही चलता है। हाँ हाल ही हाथ बहुत मुश्किल कुछ चेंजेस आए, बाकी नॉर्मल चलता है। जीके में तो जैसे आज के हिसाब से देखा जाए स्कीम्स पूछ ली और अपॉइंटमेंट पूछ लिए, तो अपॉइंटमेंट और स्कीम्स अच्छे से कर जाना है, और डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन। हाँ जो ये बोलते हैं डेज के ऊपर जो क्वेश्चन आता है कि भाई ये दिन कब बनाया जाता है, ये एक बार सारे क्वेश्चन रिवाइज कर ले रहे हैं कि भाई ये दिन कब बनाया जाता है कब नहीं। हाँ एक थीम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था,
एक थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ये वो योगा 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 डे था, योगा डे पूछा था उसमें आपसे, याद आ गया, योगा डे पूछा था, योगा डे के ऊपर पूछा गया था एक क्वेश्चन, उसकी थीम पूछी थी। अच्छा थीम पूछ रही है, थीम वाला सवाल आ गया है, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। डे का दो दो डे क्वेश्चन थे, एक तो डायरेक्ट उन्होंने डेट पूछ ली थी और एक उसने थीम पूछ ली थी, ये दो क्वेश्चन थे। तो मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा हैवी वाला सिस्टम नहीं था भाई, कुछ ज़्यादा सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट टू दी पॉइंट क्वेश्चन हारते, स्टैटिक से डांस से रिलेटेड आ गया, फेस्टिवल से रिलेटेड आ गया। हाँ एक क्वेश्चन आया था पर्सनैलिटी से, ये बोलते हैं ना, जैसे एक क्वेश्चन था म्यूजिक में, एक ये मतलब एक पर्टिकुलर नाम दे दिए ये किसको बोला जाता है, और चार ऑप्शन दे दिए, वो नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या नाम था, सरोहा ऐसा कुछ नाम था। तो डायरेक्ट पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछ लिया था, और स्टैटिक जीके से पूछ लिया था, बस दो बायोलॉजी बता दी मैंने आपको, एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया, एक इकोनॉमिक्स से पूछ लिया था। नहीं उनको क्या राय दे रहे हो मतलब? तो राय तो यही है कि जो आपने पढ़ रखा है ना वही रिवाइज मार लो, ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे इस चीज़ में, जिसके 15 टाइम है, 15 दिन है उसके पास, 15 दिन है, तो सारे डांस से जरूर क्वेश्चन, हर पेपर में क्वेश्चन आएगा, डांस से, फेस्टिवल से, पर्सनैलिटी से, और हिस्ट्री वाइज मार लो कि भाई ये वंश किसने स्थापित किया, क्या किसने नहीं किया, और डेज और थीम, डेज और थीम्स, थीम्स याद कर लो, और क्या बोलते हैं, हाँ बायोलॉजी पढ़ के जानी पड़ेगी, क्योंकि हर इस बार मैं बायोलॉजी पढ़ के नहीं आया, फिर मेरे को लगा कि बायोलॉजी हर बार क्वेश्चन कई बार पूछता ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता, इस बार बायोलॉजी के दो क्वेश्चन पूछ ली, केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले याद कर जाओ, केमिस्ट्री में ये कोई क्लाइम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम जितने याद कर सकते हो वो फॉर्मूले याद कर लो, और इकोनॉमिक्स में नॉर्मल जो क्या बोलते हैं रेपो रेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, रेपो रेट ये पूछा गया था, और बैंक से बैंक रेट से भी सारे याद कर लो, बस ये पूछा गया था। ठीक है आप खुद लगे बता दिया, थैंक यू सो मच भाई, गजब रिव्यू दिया आपने, मतलब बच्चे इतने आपसे हैप्पी हैं कि आप जाके देखिएगा इसको इंडिया स्टडीज़ पर कि कितने लोग आपसे खुश हैं, कितना अच्छा रिव्यू शायद ही किसी ने आज तक दिया होगा। अब मेरे करियर में जब मैं रिव्यू करता रहूं मुझे कभी कोई सब से इतना शानदार रिव्यू दिया हो, थैंक यू सो मच। आप एक मिनट रुकिएगा मैं एंड करके आपसे वापस बात करता हूं, प्लीज़ एक मिनट रुकिएगा। चलो गाइस ये था आज का रिव्यू, अगली शिफ्ट में वापस आपसे मुलाकात करेंगे, कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम अगले शिफ्ट में और पूछने की कोशिश करेंगे उसको। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड energy which you given to us. Thank you so much.